मोटे पर्दे के सुपरस्टार कपिल शर्मा को लेकर निर्देशक अब्बास मस्तान ने रोमांटिक या एक्शन फिल्म न बनाते हुए कॉमेडी फिल्म बनाने का सही निर्णय लिया, क्योंकि कपिल की छवि हास्य कलाकार की है और दर्शक उन्हें इसी रूप में देखना पसंद करते हैं। किस किसको प्यार करूं से यह बात स्पष्ट है कि रोमांस या एक्शन करना कपिल के बस की बात नहीं है। अपने कैरेक्टर को निभाने के लिए उन्होंने अपने कंफर्ट जोन में ही रहना उचित समझा। कपिल पर तो उनके दोस्त करण की भूमिका निभाने वाले वरुण शर्मा भारी पड़े हैं। जब वे स्क्रीन पर आते हैं हंसी की लहर फैल जाती है। किसी भी समस्या का उनका वैज्ञानिक तरीके से समझाना आपके चेहरे पर मुस्कान ला देता है। बात की जाए कहानी की तो कई फिल्मों की कहानी को जोड़ तोड़ कर अनुकल्प गोस्वामी ने कहानी लिखी है। तीन लड़कियों से अजीब सी परिस्थितियों में शिव राम किशन की दुर्घटनावश शादी हो जाती है। कॉकटेल टावर पर चौथे छठे और आठवें फ्लोर पर एक के साथ वह शिव, दूसरी के साथ राम और तीसरे के साथ किशन नाम से रहता है। तीनों पत्नियों को पता नहीं है कि उनका पति उन्हें धोखा दे रहा है। शिव यही नहीं रुकता, उसकी एक गर्लफ्रेंड दीपिका भी है जिसके साथ कुमार बनकर वह सच्चा प्यार करता है। तीन पत्नी और एक गर्लफ्रेंड को संभालते संभालते वह चक्रघिन्नी बन जाता है। मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब उसके माँ बाप आ जाते हैं और अलग अलग पत्नियों के साथ रहने लगते हैं। फिल्म की कहानी में कोई नई बात नहीं है। लॉजिक और तर्क वितर्क की बात करना फिजूल है, क्योंकि ज्यादातर पात्र बेवकूफ किस्म के हैं, खासतौर पर महिलाओं के किरदार। सारी पत्नियां पहनावे से आधुनिक नजर आती है लेकिन दिमाग से खाली हैं। उनका पति बेवकूफ बनाता रहता है और वे करवा चौथ बनाकर खुश होती रहती हैं। शिव की तीन शादियां केवल इसलिए हो जाती है क्योंकि वह किसी औरत का दिल नहीं तोड़ सकता। यह बात बेहद बचकानी लगती है। फिल्म तब मजा दे सकती है जब दिमाग को घर पर आराम करने दिया जाए। तब कुछ सीन आपको अच्छे लगेंगे, जैसे शॉपिंग मॉल में तीनों पत्नियों का और दीपिका के पिता का एक साथ पहुंचना और किसी तरह शिव का वहां से बच निकलना। जब एक घर की काम वाली बाई दूसरे घर में भी शिव को देख लेती है। जब शिव का अंडरवियर आठवें फ्लोर के फ्लैट से छठे फ्लोर के फ्लैट में गिर जाता है और पत्नी इस बात को लेकर शक करती है। कहानी की कमजोरी को कॉमेडी नाइट्स विद कपिल जैसे आइटम्स कुछ हद तक ढक लेते हैं, कहीं कहीं ये काम संवाद कर लेते हैं। फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत लंबा है जिसमें सभी पुरुष दूल्हे की तरह नजर आते हैं और इसके जरिए उम्दा कॉमेडी पैदा की गई है। निर्देशक अब्बास मस्तान ने कपिल की खूबियों को उभारा है और अपने टारगेट ऑडियंस को हंसाया है। आमतौर पर बड़े बजट में काम करने वाले इन निर्देशकों को बहुत कम बजट में काम करना पड़ा है, जिसका असर फिल्म में साफ साफ दिखता है। गाने ब्रेक का काम करते हैं। फिल्म में हीरोइनों के लिए करने को कुछ नहीं था। सुप्रिया पाठक, शरद सक्सेना, जेमी लीवर और मनोज जोशी ने अपना काम अच्छे से किया। अरबाज खान वाले सीन फीके रहे हैं। भले ही किस किस को प्यार करूं में प्यार करने लायक चीजें ज्यादा नहीं हैं, लेकिन खास बात यह है कि समय अच्छे से कट जाता है। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।